बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। कल मैंने आप लोगों को 3 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो इंटीजर्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, और इसके अलावा इंटीजर्स पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। और एक और मेन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आप लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि नेगेटिव में जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी वैल्यू वो छोटी होती जाएगी, और जितनी वैल्यू छोटी रहेगी उतनी ही वैल्यू वो बड़ी होती जाएगी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ स्मॉलर, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, -99 छोटा है या -199 छोटा है। अगर हम देखें तो 199 हमारे पास बड़ा है और 99 हमारे पास छोटा है, लेकिन मैंने आपको अभी ये बात बताई है कि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतनी ही वैल्यू वो छोटी होती जाएगी, और जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी उतनी ही वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हो गई वो क्या है, -199। ठीक है, अब आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। राइट द इंटीजर्स बिटवीन, ठीक है, इंटीजर्स लिखने हैं आपने, यानी कि ये आपके पास एक नंबर दिया है 2 और 6, 2 और 6 के दरमियान में जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। तो 2 और 6 ये पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, इट्स मीन कि हमने पॉजिटिव में ही 3, 4 और 5, 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद 4 और 5, 2 और 6 के दरमियान वाली वैल्यूज़ लिखनी, तो वो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं 3, 4 और 5। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 और 3, -2 और 3 के दरमियान में हमने लिखना है, ये माइनस में है और ये हमारे पास प्लस में है। तो हम देखेंगे कि -2 से पहले क्या आता है, -1, उसके बाद 0, फिर प्लस में आ जाएगा 1, फिर प्लस में आ जाएगा 2, ठीक है। 3 से पहले हमने लिखा तो 3 से पहले हमारे पास 2 आया और 1 आया, पॉजिटिव में हमारे पास 2 और 1 3 से पहले आता है, नेगेटिव में हमारे पास -1 और 0 पहले आया। 0 जो है वो दोनों के दरमियान में आ रहा है, ठीक है, 0 तो हमारे पास वैसे भी सेंट्रल पॉइंट होता है, तो 0 जो है वो दोनों के सेंटर में ही आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 और 1, -6 और -1, अब दोनों के साथ माइनस का साइन है, यानी कि इससे -6 और -1 के दरमियान में हमने लिखना है। तो -6 के से पहले हमारे पास आएगा -5, -4, -3 और -2, -1 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, -6 और -1 के दरमियान हमने वैल्यूज़ लिखनी थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास -3 और 4, प्लस का 4 है और माइनस का हमारे पास 3 है, तो -3 हमारे पास छोटी वैल्यू है, +4 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, -3 से पहले हमारे पास क्या आता है, -2, -1 और उसके बाद 0, 1, 2 और 3, 4 से पहले पहले तक हमने लिखना था, ठीक है। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आप सबको समझ आ गई होगी इसकी जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स इन द फॉलोइंग, इसके आपने 2 पॉसिबल इंटीजर्स लिखने हैं, 0 से क्या लिखने हैं हमने, 0 से कौन सा साइन है, ये ग्रेटर देन या लेस देन का, 0 से लेस देन के हमने लिखने हैं, ठीक है। 0 से मतलब 0 हमारे पास लेस देन है, इससे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2। इसी तरह से उसके बाद 0 जो है वो लेस देन है, 0 जो है वो छोटा है, मतलब 0 से छोटे आपने लिखने हैं, ये हमने 0 से बड़े लिखे हैं 1 और 2, अब हमने 0 से छोटे लिखने हैं। 0 से छोटे हमने कौन कौन से डिजिट लिखने हैं, अब आपको पता है कि माइनस वाली वैल्यूज जितनी भी जाएंगी वो हमारे पास क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, -1 और -2 0 से छोटे हैं, ये हमने इसने कहा है 0 से बड़े लिखने हैं, 0 से बड़े लिखने हैं तो 1 और 2 आ जाएगा। अब 0 से हमने छोटे लिखने हैं तो 0 से छोटे हम क्या लिखेंगे, -1 और -2, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं।